घर और किचन का काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर छोटे छोटे टिप्स का इस्तेमाल करें तो हमारा काम आसान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने माधुरी बाला किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपका काम आसान तो होगा ही होगा, लेकिन आप अपने लिए समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है कि तवा को लेकर के। जब तवा पे हम पराठे बनाते हैं तो इस तरह से हमारे जो है कि तवे पे तेल हो जाते हैं और फिर इसके बाद हमें रोटी बनाना होता है। तो या तो हम तवे को धोएं तब रोटी बनाएं, या तो यहाँ जो है कि कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके हम जो तेल वाले तवे हैं उसे क्लीन कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने क्या किया है। यहाँ से हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है, आटा हमने यहाँ गेहूँ का लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से आटे को उस पर डाल देंगे और डालने के बाद आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, या तो कॉटन का कपड़ा लीजिए या तो आपके घर में पेपर हो, न्यूज़पेपर, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस तरह से जो है क्या कीजिए कि रब कीजिए। देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ तो जो भी तेल लगा हुआ है ये बिल्कुल आटे में आ गया। जब ये आटे में आ गया तो हमारे जो है कि तवे हैं अच्छे से सूख चुके हैं। अब देखिए आपको मैं इसे पोंछ करके दिखाती हूँ कि हमारे तवे कितने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए इस तरह से जो भी तवे पे तेल थे ये देखिए अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अब आप इस पे रोटी बनाएंगे तो अच्छे से आप रोटी बना पाएंगे, नहीं तो हम जब तवे पे रोटी बनाते हैं जब तेल वाला होता तो एक रोटी तो हमारी बेकारी हो जाती है और वो रोटी भी तेल तेल जैसी हो जाती है। तो ये देखिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जो है कि अपने तेल लगे हुए तवे को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है और तवा हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगली टिप्स हमारी जो है कि इस पीलो को लेकर के। दोस्तों ये जब पीलो हम नई नई खरीद कर लेकर के आते हैं तो काफ़ी जो है कि फूली फूली रहती है और इसे जब हम इस्तेमाल करते हैं लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम इसे यूज करने लगते हैं और यूज करते करते ये काफ़ी पतली हो जाती है, कुछ इस तरह से ये पतली हो जाती है। जब हम इसे लगाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमने पीलो लगाया है कि नहीं है, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करें, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अब देखिए हमारा ये एकदम लगाते लेते बिल्कुल पतला हो गया है और जब हम लगाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है एक पीलो ले लिया है, अब इसके ऊपर से हम दूसरा पीलो रख देंगे। अब दोनों पीलो को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हम इसकी जो कवर है, अब हम इस कवर में दोनों पीलो को जो है कि एक ही साथ हम दोनों पीलो को इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो पीलो है वो काफ़ी जो है कि भरी भरी सी हो जाएगी और जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो जो है कि हमें अच्छा लगेगा, फूला फूला सा लगेगा। तो देखिए अब इस तरह से हम दोनों को जो है कि कवर में इस तरह से डाल देंगे। अब ये देखिए दोनों पीलो को हमने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए काफ़ी मोटी हो गई है, अब फूली फूली सी हो गई है, अब लगाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जब भी आपकी पीलो इस तरह से हो जाए तो यहाँ जो है कि इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और आपको लगाने में भी पता चलेगा कि आपने पीलो लगाया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कच्चा दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ क्या किया है कच्चा दूध ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जितना हमें बनाना है उतना ले लेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं 2 चम्मच दूध का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा बनाना है तो आप 3 से 4 चम्मच भी दूध का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ आपको ले लेना है विटामिन ई की गोली। तो दोस्तों विटामिन ई की गोली हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और हमारे स्किन के लिए भी। अक्सर जो है कि हम इसे जो है कि अपने बालों अपने स्किन के लिए इसे यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक गोली हम जो है कि विटामिन ई की गोली ले लेंगे। अब इसमें आपको सिर्फ 2 बूंद डालना है, 1 बूंद हो गया और 1 बूंद ये हो गया, आपको इससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये होम रेमेडी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अक्सर जब हमारे चेहरे पे जो है कि झाइयाँ हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं आँखों के नीचे, तो ये रेमेडी बहुत ही कमाल की है। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है।
आपको इस तरह से कॉटन ले लेना है, कॉटन साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कॉटन को दूध में इस तरह से डीप करेंगे और अपने फेस पे इस तरह से लगाएंगे, जिस तरह से मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ ठीक उस तरह से आपको अपने फेस पे लगाना है। और आपको जो है कि ये काम दिन भर में 2 से 3 बार करना है, और ये नहीं कि आपको एक दिन लगाना है एक दिन छोड़ देना है। इस तरह से आप करोगे तो इसका रिजल्ट आपको बेहतर नहीं मिलेगा, और आपको कंटिन्यू डेली करना है। आप कम से कम 2 बार से 3 बार जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से जो है कि अपने हाथों पे रब कीजिए, और रब करने के बाद 10 से 15 मिनट तक आप अपने चेहरे पे छोड़ दीजिए, और जब ये सूख जाए तो आप नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो लीजिए। इस तरह से आप अगर रेगुलर करती हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे डार्क सर्कल हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, और आपका चेहरा एकदम से क्लीन हो जाएगा और चमकदार हो जाएगा। अभी आप क्या करती हूँ, मैं इसे आपको धुल करके दिखाती हूँ। यह मैंने धुल दिया है दोस्तों। एक दिन में किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है, एक दिन में जो है कि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आपको डेली करना है, कंटिन्यू करना है, इसके बाद ही आपको जो है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, मुझे बहुत पसंद लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।